बताओ फिर। आज मैं हालिद जान को स्कूल से लेने गई थी, वहाँ दो लंबे लंबे आदमी मेरा पीछा कर रहे थे। ये बताइए कि आपने भेजा था उन्हें मेरा पीछा करने के लिए? हाँ भेजा था। वो आदमी मेरे पीछे घूमते रहेंगे और आपको खबरें देते रहेंगे कि कौन मुझसे मिला था कौन नहीं। यिल्दिज, शायद तुम्हें याद नहीं कि आज हमारे घर पर गोलियां चली थी। तुम्हें क्या लगता है अपने घर वालों की हिफाजत करवाना कोई जुर्म है? ये तो मेरा ही बैग है। तस्वीर देख के कैसे पता चल गया कि तुम्हारा है? वो लोग ऑर्डर पर ही बैग तैयार करते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हारा बैग है, शायद जाली होगा। अगर मेरा बैग मेरे कमरे में हुआ तो ये बैग फिर जाली होगा। कुछ मालूम हो तो मुझे भी बता देना, क्योंकि अगर ये बैग इस घर से गायब हुआ है तो बहुत मसला हो सकता है। यिल्दिज को कोई मोहब्बत नहीं है तुमसे। सच बात तो ये है, उसे एक अमीर शौहर चाहिए था ताकि अपना और अपने बच्चे का मुस्तकबिल महफूज कर सके। बात सुनो, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। दुआन संभाले खुद को, ये क्या कर रहे हैं? कोई मेरी बीवी से इस तरह से बात नहीं कर सकता। खानदान को दुआन की दौलत से गर्ज है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है और ऊपर से कर्जदार भी है, मगर वो दिखावा ऐसे करती है जैसे वो एक अमीर खातून है, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये तुम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारी तरह बेखबर नहीं रहती हूँ यिल्दिज, ये बस तुम्हारे लिए एक छोटी सी वार्निंग थी आलिया। यही कहा था ना? दुआन, तो तुम भी इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी वार्निंग समझना, ठीक है? और तुम्हारे इतराफ जितनी भी औरतें हैं, मुझे उनकी तरह बिल्कुल मत समझना। अगर मुझसे उलझोगे तो नुकसान उठाओगे। वफा है शजरे अमन